हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी एजुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट, आज का जो यह वीडियो है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, सेल्फ स्टडी करना कैसे है, सेल्फ स्टडी में क्या करना है, क्या पढ़ना है, डिस्ट्रक्शन से कैसे दूर रहना है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, सबका जो है तोड़ आज मैं लेकर आया हूँ, सबका जो है ना आज दवाई लेकर आया हूं मैं आपके पास। ठीक है, साथ में मैं आपको अपने मार्कशीट को भी दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या किया था अपने बोर्ड एग्जाम के समय, लास्ट के 2 महीने 45 दिन जो बचे थे उसमें मैंने क्या किया था, मैंने क्या पढ़ाई किया था, मैंने कैसे पढ़ाई किया था, कैसा कैसा माहौल था, क्या था, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो भाई 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए और एकदम जुड़े रहना। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो, एक भी पॉइंट आपसे स्किप होता है तो भाई आप फंस जाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको अपना मार्कशीट दिखाऊंगा। ठीक है, उसको क्लियर कर, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो है ले चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मीन्स ये होता है कि भैया आपने क्या कर रखा है अपने जीवन में, आपने क्या उखाड़ रखा है, पहले आप तो बताओ आपने किया क्या है। ठीक है, और ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है ना आकर फालतू फालतू कुछ भी डाल देते हैं, तो यार जेन्यून होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फालतू में कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। नहीं भाई, मेरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम थोड़ा सा चीजों को समझना है और थोड़े से चीजों को करना है और बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हो। पहली बात मार्कशीट की तरफ देखो भाई, ये मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब BSEB का आपको दिख रहा होगा, बिहार विद्यालय। कुछ कुछ जो है मैंने यहाँ पे ब्लर किया है क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन आपको मीन्स यहाँ यूट्यूब पे मैं नहीं दे सकता, क्योंकि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, देना सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्या है तो नंबर वगैरह है, जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं, रोल नंबर वगैरह, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब जो है आपको ब्लर किया गया है। तो देखो, जानते हो भाई कि मेरा जो ऑफिशियली जो नेम है, मीन्स की जो मेरे सर्टिफिकेट्स पे नेम है, वो अभिषेक राज है। ठीक है, तो ये मेरा जो है मार्कशीट है अभिषेक राज, आपको दिख रहा होगा, देखो फोटो भी मेरा लगा हुआ है यहाँ पे, हमी है ना, हमी है ना, हाँ भाई हमी है। चल तो ये है, अब देखो मेरे समय जो है ना इंग्लिश और जो है हिंदी था, इंग्लिश जो था वो 150 नंबर का था, इंग्लिश 150 मार्क्स का था, मतलब कि 100+50 ऐसे था, एंड फिर हिंदी जो था ओनली 50 मार्क्स का था, हिंदी जो था NRV जिसको बोला जाता था ओनली 50 मार्क्स का था हमारे समय। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जैसे ही और मैं मुजफ्फरपुर आपको दिख रहा होगा, मुजफ्फरपुर के राजकीयकृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल काटी मुजफ्फरपुर। ठीक है, आप जो है इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा ये मार्कशीट है। ठीक है, ये मेरा मार्कशीट है और ज्यादा नीचे मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ज्यादा नीचे स्कैनर है। ठीक है, NRV मतलब ये हिंदी का बात किया जा रहा है, हिंदी में आप मेरा मार्क्स देख सकते हो, 50 नंबर का जो है टोटल एग्जाम होता है, 15 पे पास होता है। ठीक है, 50 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, 50 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, 15 नंबर पे पास होता है, थ्योरी में प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है, थ्योरी में 43 मार्क्स टोटल, 43 मार्क्स रिस्ट्रिक्शन मार्क्स। ठीक है, देख रहे हो ओनली 7 मार्क्स कटे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा 43 मार्क्स मिले हैं। फिर MBA अल्टरनेट इंग्लिश मतलब कि 50 मार्क्स वाला इंग्लिश होता है, 50 मार्क्स वाले इंग्लिश में देख रहे हो, इसमें मेरा को 45 नंबर मिले हैं, 45 मार्क्स मिले हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, 45 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे। देन अगेन इंग्लिश LL इंग्लिश मतलब कि भाई जो आप लोगों का रेनबो है, रेनबो पार्ट टू है ना, उसमें उसमें जो है 100 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है, 83 मार्क्स आप देख रहे हो, डिस्टिंक्शन मार्क्स इसमें भी है 83 मार्क्स। ठीक है, तो भाई ऐसे ही नहीं मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे, ऐसे ही मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आपको कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कुछ मैंने अपने जीवन में हासिल किया है तभी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो भाई फालतू का मैं नहीं देता, फालतू में उठकर भाई कोई भी लोग आजकल टीचर बन जा रहे हैं ना, वो बातें नहीं है। ठीक ना, अब यहाँ पे देख रहे हो फिजिक्स में, फिजिक्स 70 नंबर। ठीक है, डिस्टिंक्शन नहीं है इसमें, टू बी ट्रुथ डिस्टिंक्शन नहीं है भाई। प्रैक्टिकल में 27 मार्क्स, थ्योरी में 43, 70 आउट ऑफ 43।
ठीक है, आपके तरह ही मैं बदमाश बच्चा था। केमिस्ट्री में भाई, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 49, देखो भाई 49 है टोटल, ठीक है, मींस आउट ऑफ 70 49 एंड 28 प्रैक्टिकल, जोड़ कर देखो 77 मार्क्स आएगा, टोटल 77 मार्क्स। ठीक है, मैथ्स में सबसे हाईएस्ट था, मैथ्स में 193 टोटल मार्क्स, टोटल 93 मार्क्स हैं मेरे खुद के। ठीक है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को, मींस पिछले जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उनको मैंने 93+ मार्क्स दिलवाया भी है, ठीक है, पढ़ाकर, खुद पढ़ाकर। तो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा मार्कशीट है, टोटल 411 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 411 नंबर, और 411 नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो कितना परसेंट आएगा, लगभग 82 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। ठीक है, तो ये है मेरा मार्कशीट, और 82 पॉइंट समथिंग ही क्यों रह गया था, इससे आगे क्यों नहीं गया था, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या गलतियां मैंने की थी अपने समय में वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली गलती मैंने क्या किया था कि मैंने लेट स्टडी शुरू किया था, आप लोगों की तरह ही मैंने देर से पढ़ाई शुरू किया था। ठीक है, देर से पढ़ाई शुरू करने का मतलब क्या है कि भाई मैं ऑफलाइन कोचिंग की तरफ भागते रह गया, ऑफलाइन कोचिंग में भागते रह गया, ऑफलाइन कोचिंग डेली जाना, सुबह जाना, शाम जाना, टाइम वेस्ट, आने जाने में टाइम वेस्ट। ठीक है, पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या था भाई कि ऑफलाइन कोचिंग में जो है ना सही से पढ़ाई होता नहीं है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ आपके दोस्त होंगे जो कि आपको खुद तो पढ़ेंगे नहीं, ना ही आपको पढ़ने देंगे, तो उन बच्चों से आपको दूर रहना है। ठीक है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और आज मैं उन सभी दोस्तों से बहुत दूर हो चुका हूँ। ठीक है, बहुत दूर, ना उनका फोन कॉल उठाता हूँ ना कुछ भी, दूर, एकदम दूर। क्या फर्क पड़ता है भाई, आप अपने जीवन में कुछ कर लोगे, दोस्त कुछ नहीं करने आएगा। ठीक है, चलो, तो ये है, ऑफलाइन से बहुत दूर रहो, घर में रहो 2 महीने बिल्कुल से। ठीक है, अभी अगर दिसंबर में आप देख रहे हो तो मान के चलो 45 दिन आपके पास बाकी है, 45 डेज, 60 to 45 डेज आपके पास बाकी है मान के चलो, तो 60 से 45 दिन जो है टोटल आप जो है अपने घर में रहो, सिर्फ और सिर्फ घर में रहो, ऑनलाइन स्टडी करो, चाहे वो फ्री में ऑनलाइन स्टडी करो, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, पूरा का पूरा आप खंगाल डालो। ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप जो है कहीं से कोर्स लेकर पढ़ो, लेकिन आप घर पे रहकर पढ़ो, ऑफलाइन छोड़ दो भाई। ठीक है, घर पे रहो, और डेली जो है क्या करना है आपको, एक 5 बातों पे ध्यान देना है, इन 5 बातों पे, ये 5 बातें क्या है, सबसे पहली बात की भैया सेल्फ स्टडी आपको जो है 6 से 7 आवर्स डेली करना है, 6 से 7 घंटे डेली आपको पढ़ाई करना है, और ये 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, आई मीन्स की जाकर आप यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको लिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आपको मैंने पिन कर दिया है, टाइम टेबल आप क्या फॉलो करोगे जाकर चेक करो। तो 6 से 7 घंटे डेली आपको पढ़ाई करना ही करना है। ठीक है, 6 से 7 घंटे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, एवरी संडे टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को जो है जांचो, हर एक संडे को अपने आप को जांचो, मंडे टू सैटरडे जो है पढ़ाई करो, हर संडे को जो तुमने पढ़ा है मंडे टू सैटरडे में जो भी तुमने पढ़ा है उस चीज को तुम देखो कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, और अपने आप को कैसे टेस्ट करोगे। अब कोई आपको टेस्ट लेने वाला होना चाहिए, कोई आपका टेस्ट ले, ठीक है ना भाई, ना जरूरत नहीं है किसी की, आप खुद बहुत काफी हो। ठीक है, आप खुद करोड़ों का अमानत हो, आप खुद बहुत काफी हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, तो भाई आपने क्या किया, 6 दिन पढ़ा अच्छे से, 6 दिन में जो भी चीज पढ़ा है ना, जो भी चीज पढ़ा है उन सबको एक पेज लो, इस तरीके से एक सादा पेज लो, और उस सादा पन्ने पे जो है ना हर एक का टॉपिक लिख दो, सिर्फ जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, ठीक है, कैपेसिटांस लिखो, पैरेलल सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक सिर्फ लिखो। ठीक है, हेनरीज लॉ ये सब वगैरह टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखकर आप जो है संडे को जो है एकदम उस पेज को निकालो, और उस पेज को निकाल कर बस उस पेज को देखो, हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे करो संडे को पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी खुद के समय में ऐसे ही किया था, मैं पढ़ाई करता था, याद करता था, हर मंडे टू सैटरडे रटता था भाई, रटता था, रटने का समय आ गया, रटता था, रटते रटते जो है ना संडे आता था, संडे को एक पेज सुबह सुबह उठकर एक पेज निकालता था, व्हाइट पन्ना, उसमें पहले सभी जो भी मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है, अगर फिजिक्स में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ा है तो दोनों का जो है ना अलग 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 जो है ना चैप्टर 1 का मैंने लिख लिया टॉपिक। ठीक है,
और उसको जो है ना घूमते इधर उधर बाथरूम में जा रहे हैं, लैटिंग कर रहे हैं फिर भी पेज रखे हैं, ठीक है शरमाने शरमाने की जरूरत नहीं है, मजाक था। लैटिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नहाने के समय तो गल जाएगा, खाना खा रहे हैं, पेज रखे हैं सामने और उसको देख रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ना पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज, ठीक है। और एक चीज और भाई, भारी चीजों से बचो एकदम, जो छोटा 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 चीजें है ना उन चीजों को पकड़ो, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है और एकदम छोटे छोटे इज नॉन इज कॉल्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, उस चीज को पकड़ो, भारी भारी चीजों को मत पकड़ो। मतलब कि हाँ भाई मेरे को वो चीज आ नहीं रहा है, मेरे को वो चीज समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम उसके अंदर घुसना चाहते हैं, नहीं घुसो उसके अंदर, उससे बचो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर उसके अंदर घुसोगे तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, दोनों तरफ के नहीं रहोगे, ठीक है, दोनों तरफ से चले जाओगे। तो एक तरफ पकड़ते हैं अच्छे से, दूसरे तरफ को जाने देते हैं, ठीक है। तीसरा, सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया है, साथ में सेल्फ स्टडी करते समय जो है ना आपको दो तीन बातों की ध्यान रखनी है। सबसे पहला बात कि भाई सेल्फ स्टडी करते समय आप अपने किताबों का ही यूज ले सिर्फ, चाहे वो आपका क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो आपका गेस्ट पेपर हो, चाहे वो आपका NCERT किताब हो, चाहे वो आपका नोट्स हो, ठीक है, आप किताबों का ही हेल्प ले, मोबाइल का हेल्प ना ले। अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन बैंक से, किसी भी गेस पेपर से, अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनको कोई क्वेश्चन फंस गया तो वो डाउटनेट का यूज करते हैं, वो गूगल का यूज करते हैं, ठीक है। आपको नहीं करना, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है, अपने किताब का यूज करना है, बाकी किसी भी अदर चीजों का यूज नहीं करना है। आप अपने किताब को यूज करो, किताब ही आपका सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए सेल्फ स्टडी करते समय। किताब के अलावा मोबाइल की तरफ देखना भी नहीं है, मोबाइल की तरफ देख रहे हो मतलब आप पाप कर रहे हो, ठीक है। तो पाप नहीं करना है, अगर आप पाप करोगे तो भाई नंबर कम आ जाएगा, तो नंबर अच्छे लाने हैं तो पाप नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहे। डिस्ट्रैक्शन क्या भाई, ये जो मेरा मोबाइल फोन है ना, यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल फोन है, कैसे भाई, ठीक है। तो इससे दूर रहने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरा डिस्ट्रैक्शन कौन है, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन कौन है, आपके फैमिली, हाँ भाई आपके फैमिली भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बउआ आटा पिसवा दो, सॉरी गेहूं पिसवा दो, बउआ गेहूं पिसवा दो, बउआ थोड़ा दुकान से ये चीज ला दो, बउआ थोड़ा ये चीज ला दो, देखो भैया नाना जी आए हैं, देखो बउआ अंकल आए हैं, थोड़ा कुर्सी दो, ठीक है। तो आपके फैमिली भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, मतलब अपने फैमिली से भी 2 महीने बिल्कुल दूर रहो, बोल दो कि भैया मैं यहाँ हूं ही नहीं, आप मेरे को मत खोजो, खाना के समय खोजो बस, उसके अलावा आप समझो कि मैं यहाँ हूं ही नहीं, 2 महीना के लिए आप मेरे को फ्री छोड़ दो। उसके बाद जो काम आप बोलोगे, जितना आटा पिसवाने के लिए बोलोगे उतना आटा पिसवाएंगे, जितना गेहूं पिसवाने के लिए बोलोगे उतना गेहूं पिसवा देंगे, ठीक है। जॉन अंकल के लिए कुर्सी बोलोगे, हम भाई कुर्सी खरीद कर दे देंगे, लेकिन 1-2 महीना जो है ना, 1-2 महीना आप बिल्कुल हमको दूर रखो इन सब चीज़ों से, ठीक है। दोस्तों से एकदम आप दूर हो जाओ, फोन कॉल को एकदम ब्लॉक कर दो दोस्तों को 2 महीने के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह ब्लॉक कर दो, ठीक ना। तीसरा, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो, जब आप चाहो तभी आप यूज कर सकते हो, ऐसा करके रखो। ये नहीं कि भाई नोटिफिकेशन आया तुरंत मोबाइल खोल के देख लिए, नहीं, आप जब चाहो तभी आप यूज कर सको, ऐसा रखो, ठीक है। तो मोबाइल को एकदम दूर रखो अपने से। बहुत सारे बच्चों को मैंने पिछले बार बताया था कि हाँ भाई आप अपने मोबाइल को अपने मम्मी पापा भैया भाई बहन किसी के पास दे दो पढ़ाई करते समय, सेल्फ स्टडी करते समय, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि भैया हम अकेले रहते हैं तो हम किसको दे। आप जो है ना कोई दराज में जाकर फोन को रख दो, फ्लाइट मोड में डालो और फोन को रख दो दराज में, ठीक है। फ्लाइट मोड में डालने से पहले अपने मम्मी पापा को कॉल करके बोल देना कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ इसलिए मैं फोन ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो भाई आपके मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे कॉल करेंगे तो, ठीक है। तो बोल के जाना, ऐसा नहीं कि बिना बोले चल दिए, ठीक ना। तो ये चीजें हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है। अगला पांचवा पॉइंट कि भैया मन नहीं लगता, क्या करें, मन लगता ही नहीं है पढ़ने में, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, नींद आता है, ठीक है। तो नींद आने पे तो भाई वीडियो में एक दूंगा आपको एकदम कैसे नींद को दूर भगाना है पढ़ाई करते समय, उसके ऊपर तो वीडियो दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मन नहीं लगता है तो भाई लगाना पड़ेगा, मन किसी का नहीं लगता है, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें किसी का मन नहीं लगता, लेकिन आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं खुद का बताता हूँ, ठीक है, मेरे को भी मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, आपको पढ़ाने में मन लगता है, ठीक है, आपको पढ़ाने में मन लगता है मेरे को, लेकिन खुद के ऊपर जब आती है, जब मैं खुद के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि हाँ भाई चलो ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं हो पाता है, ठीक है, मन नहीं लगता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, मन लगाना पड़ता है, मन लगेगा भाई, लगेगा, मन लगेगा। तुम एक दिन अपने आप को दो ना, अपने आप को एक दिन दे दो, अपने मोबाइल फोन को, सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार बोलता हूँ, मोबाइल फोन को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, एक दिन के लिए एकदम दूर रहो, ठीक है? नाना मामा चाचा चाची ताऊ मौसा मौसी सबसे दूर रहो, ठीक है? एक दिन रूम में एक बंद हो जाओ और अपने कॉपी किताब को बस अपने पास रखो, देखो फिर अगले दिन तुमको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है? तो ये देखो, और हर दिन रात में आपको सोने के समय अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो भाई आप जो है सही रास्ते पे नहीं हो, आप कुछ गलती कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? जिस दिन मैं आपको ये लिख ही देता हूं कि आप लोग अभी अगर पढ़ाई करते होगे, ठीक है, तो डेली रात के समय तुमको पछतावा होता होगा कि यार आज तो मैंने बर्बाद कर दिया टाइम, कल से पढ़ूंगा, ठीक है? डेली ऐसा होता होगा। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, अगर आपको डेली रात को सोते समय सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इन 5 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? जो मैंने इस वीडियो में बोला उस चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग जो है ध्यान दोगे इन सब चीजों पे। मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट बारी, तब तक के लिए भाई थैंक यू। एंड आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर दो, क्या कमेंट करोगे? आई कैन स्कोर, आई कैन गुड, ठीक है, आई कैन डू इट, ऐसे, ठीक है, भर दो भाई, ठीक है, कमेंट करके अपना हाजिरी दे दो, हाजिरी लगा दो सभी लोगों को, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग कमेंट कर नहीं करते भाई, कमेंट कर क्या करो, लाइक करो मत करो, लेकिन कमेंट करके जाओ, मेरे को पता चलता है कि हाँ किस बच्चे ने जो है कमेंट किया है, किस बच्चे ने जो है मीन्स वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है? तो भाई मजे में। और एक और चीज मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आजकल कि 12 बजे से पहले आपको सो जाना है, बाबू सोना मोना टोना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबसे दूर रहना है, अगर है भी तो भाई उनको बाय स्वीट ड्रीम गुड नाइट लव यू बोलकर सो जाना है, ठीक है, 12 बजे से पहले, क्योंकि सोना 7 से 8 घंटा बहुत जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है, 24 घंटे में 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, ठीक है? चल तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो, सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है, बाय बाय।